पिछले वीडियो में हमने देखा था, हम फ्यूजन 360 में फ्लेंज कमांड का यूज़ करके सीट कैसे जनरेट कर सकते हैं, फ्लेंज कैसे बना सकते हैं। आज हम सीखेंगे फ्लेंज हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल फ्लेंज कैसे बना सकते हैं और हेम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले कोई डायमेंशन की शीट बना लीजिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था हाइट, एंगल, हाइट डेटम, बेंड पोजीशन और फ्लिप कमांड कैसे यूज होता है। आज हम देखेंगे फ्लेंज मॉडिफाई कैसे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूजन 360 ने बाय डिफॉल्ट फुल लेंथ में हमें फ्लेंज दे दिए। अगर आपको फ्लेंज सिर्फ बीच में चाहिए तो आप यहाँ से सिमेट्रिक कर सकते हैं। डायमेंशन दे दीजिए, ये आउटर एज से आपको कितने एमएम अंदर फ्लेंज बनानी है। अगर आपको फ्लेंज को एक साइड पे चाहिए तो आप यहाँ से टू साइड या टू ऑफसेट कमांड यूज कर सकते हैं, दोनों सेम कमांड है। मैं यहाँ पे टू साइड कमांड यूज कर रहा हूँ। अब मुझे ये फेस से मेरी फ्लेंज 50 mm अंदर चाहिए तो मैं यहाँ से 50, आप देख सकते हैं मेरी फ्लेंज 50 mm आउटर फ्लेंज से अंदर हो गई है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल फ्लेंज कमांड कैसे यूज होता है। कंट्रोल फ्लेंज कमांड एक टाइम सेविंग कमांड है। अगर आपको पिछला वीडियो याद हो तो मैंने ये शीट बनाई थी। ये शीट बनाने के लिए मैंने पहले ये 2D स्केच बनाया था एक। फिर उसको शीट में कन्वर्ट किया था। उसके बाद मैंने इसकी दो फ्लेंज बनाई थी। अब हम बात करते हैं कंट्रोल फ्लेंज कमांड यूज कैसे होता है। काउंटर फ्लेंज एक टाइम सेविंग कमांड है। तो अगर आपको सेम यही सीट काउंटर फ्लेंज में बनानी तो आप सिर्फ दो कमांड का यूज़ करके ये सीट बना सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्लेन पे आपको जैसे भी सीट चाहिए उसका एक स्केच बना लीजिए। यहाँ पे प्रोफाइल क्लोज होने जरूरी नहीं है। अब आप फ्लेंज कमांड एक्टिव कीजिए और जो आपने स्केच बनाया उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सिर्फ आपको उसकी लेंथ देनी है कि आपको कितने लेंथ में ये शीट बनानी है। अगर आपको इस शीट को यहाँ से बेंड करना है तो इसे भी आप काउंटर फ्लेंज कमांड से बना सकते हैं। काउंटर फ्लेंज कमांड से बनाने के लिए इस फेस पे आप स्केच बना लीजिए। जैसे भी सीट आपको बेंड करनी है उसके स्केच बना लीजिए। लेंस कमांड एक्टिव कीजिए, जो स्केच ड्रॉ किया है उसे सिलेक्ट कीजिए और जिस एज से आपको वो फ्लेंज कनेक्ट करनी है वो एज सिलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं फ्यूजन ऑटोमेटिकली ये फ्लेंज को यहाँ से बेंड कर दिया है। अब अगर मुझे इस एज को हेम शेप में बेंड करना है, हेम शेप मतलब अगर आप किसी भी सीट को इस तरह से बेंड करते हैं तो इसे हेम कहते हैं। तो हेम बनाने के लिए इसे फेस पे स्केच बना लीजिए। आपको जितने भी रेडियस में हेम बेंड करनी है उसका एक स्केच बना लीजिए। सिंपली फ्लेंज कमांड एक्टिव कीजिए, जो आपने स्केच ड्रॉ किया उसे सिलेक्ट कीजिए और जिस एज को आपको हेम शेप में बेंड करना है वो एज सिलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी हेम बन गई है।
अगर आपको कोई ऐसा कंपोनेंट बनाना है जिसके चारों एज सेम डायमेंशन की बेंड की गई है, तो इसे आप काउंटर फ्लेंज कमांड से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया बताया काउंटर फ्लेंज कमांड के लिए आपको स्केच बनाना पड़ता है, स्केच में अगर आपको अब ऐसे ही फ्लेंज चारों डायरेक्शन चारों एजेस पे बेंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ से मल्टीपल एजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चारों एजेस सेम डायरेक्शन में सेम डायमेंशन की बेंड हो गई है। अब बात करते हैं माइटर ऑप्शन क्या होता है। अगर यहाँ से मैं माइटर ऑप्शन बंद कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सारी फ्लेंजेस मर्ज हो रही है। सभी चारों फ्लेंजेस मेरी मर्ज हो गई। अब इन सभी को सेपरेट करने के लिए माइटर ऑप्शन होता है। माइटर ऑप्शन पे इस ऑप्शन एक्टिव करते हैं, आपकी सभी फ्लेंजेस सेपरेट हो जाएंगे। आप इजीली कोई भी कंपोनेंट काउंटर फ्लेंज से बना सकते हैं। अगर आपको चारों एजेस पे हेम भी ऐसे बेंड करने, तो आप हेम का स्केच भी बनाकर चारों एजेस पे सेम हेम दे सकते हैं।